हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेज. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड आवर इंग्लिश रीडर बुक्स ऑफ सेवन चैप्टर द पीसफुल टी, पेज नंबर 44. लेट्स सी. विद ए ग्रेट एफर्ट ही बिगेन टू प्रिपेयर. उसने जो टी मास्टर था, जब वह उस शुभदम के लिए स्कूडम के लिए चाय बनाने के लिए अपने सामान लेकर आया, तो उसके बाद की स्टोरी आज हम रीड करेंगे. विद ए ग्रेट एफर्ट ही बिगेन टू प्रिपेयर. बड़े प्रयास के साथ में उसने चाय बनाना, ही बिगेन टू प्रिपेयर, उसने तैयार करना शुरू किया. किसके लिए? चाय बनाने के लिए शुभ को प्रिपेयर करना शुरू किया. ही असेंबल्ड द एलिमेंट्स एंड यूटेंसिल्स ऑफ टी सेरेमनी. ही असेंबल्ड मीन्स एकत्रित किए द एलिमेंट्स, सभी उपकरण एंड यूटेंसिल्स, बर्तन ऑफ द टी सेरेमनी, उस चाय समारोह में. द टी, द वाटर, चाय के लिए जो भी आवश्यक सामग्री थी उसने एकत्रित की. द टी, चाय, द वाटर, पानी, द विस्क, छन्नी, द क्ले वेशर, चीनी मिट्टी के बर्तन, द ब्रेजर, अंगीठी. देन ही प्रिपेयर हिमसेल्फ. इसके बाद उसने शम को तैयार किया. वेन ऑल वॉज रेडी, जब सब कुछ रेडी था. विद ए पीसफुल स्प्रिट, तो शांतिपूर्वक. ही वॉज एबल टू सर्व द टी टू द स्कूडम, तो उसने स्कूडम के लिए चाय परोस दी या सर्व की. द स्वॉर्ड मास्टर ऑब्जर्व द टी मास्टर केयरफुली. जो स्वॉर्ड मास्टर, जिसके हाथ में तलवार थी, तो वो कौन था? स्कूडम. तो उसने टी मास्टर को बड़े ध्यानपूर्वक देखा. एंड आफ्टर ही हैड सिप्ड फ्रॉम द बाउल ऑफ टी, उसने चाय के जो कप था उससे चाय पी. ही सेड, उसने कहा, आई सी नाउ दैट यू आर ऑलरेडी ए ग्रेट मास्टर. मुझे ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में ही एक महान मास्टर हो, या चाहे टी मास्टर हो. द टी मास्टर वॉकड स्लोली अप टू स्कूडम, ग्रीटेड हिम. जो टी मास्टर था वह धीरे धीरे स्कूडम के पास गया, उसका अभिवादन करते हुए. एंड थैंक्ड हिम, और उसको धन्यवाद दिया फॉर वेटिंग, इंतजार करने के लिए. एंड ओविलाइज्ड हिम विद शिपिंग हिज टी, और उसको अपनी चाय देने के लिए. द टी मास्टर स्टूड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम. टी मास्टर वहाँ लंबे समय तक खड़ा रहा. बट द स्कूडम्स क्राई ऑफ अटैक द केम, लेकिन उनकी शर्त के अनुसार, क्योंकि उस टी मास्टर था उसने शर्त रखी थी कि जैसे ही मैं आपको चाय पिला दूँ उसके बाद हम युद्ध लड़ लेंगे. लेकिन स्कूडम ने स्कूडम की तरफ से युद्ध के लिए कोई भी आवाज़ नहीं आई. फाइनली अंत में द लिटिल मैन ओपन ही जाए, जो उस छोटे व्यक्ति ने अपनी आँखें खोली. ही सा एन एस्टोनिशिंग साइट, तो उसने एक आश्चर्यजनक दृष्टि डाली, आश्चर्यजनक दृश्य देखा. द स्कूडम स्वॉर्ड ले ऑन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ मी, तो टी मास्टर ने क्या देखा कि जो स्कूडम की तलवार थी वो ग्राउंड पर, जमीन पर उसके सामने पड़ी हुई थी. द मर्सिनरी सोल्जर वाज बेकिंग अवे फ्रॉम हिम, हिज आइज वर फुल ऑफ टेरर एंड कन्फ्यूजन. जो लोभी सैनिक था, मर्सिनरी मीन्स लोभी सोल्जर, कौन था वो? स्कूडम था. तो उसकी आंखों में फुल ऑफ टेरर, उसकी आंखों में भय और भ्रम था. When the Scudum has looked at the face of the Tea Master, जब Scudum में Tea Master के चेहरे की तरफ देखा. Standing quietly in front of him, तो वह उसकी तरफ देखते हुए शांतिपूर्वक खड़ा रहा. He lost his nerve, nerve means हिम्मत, उसने अपनी हिम्मत खो दी. He did not know how to fight एन एनिमी हु शोड नो फियर. देखिए, जो टी मास्टर था वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था. तो जो स्कूडम था वह सोचने लगा कि मैं एक ऐसे सैनिक से जिसके अंदर कोई भय ही नहीं है उससे कैसे लड़ूं. ही डिड नॉट नो हाउ टू अटैक ए मैन हु स्टूड पीसफुली, मैं नहीं जानता था कि एक ऐसे व्यक्ति से कैसे लड़ा जाए जिससे हु स्टूड पीसफुली, जो शांतिपूर्वक खड़ा है. आईज क्लोज, जिसकी आंखें बंद हैं. स्वॉर्ड हेड विदाउट क्यूअर, क्यूअर मीन्स होती तर्कस या तलवार रखने का, बिना जिसकी तर्कस के बिना ही तलवार है. विद अबो हिज हेड वेटिंग टू सर्व टू नो टी, और जो मुझे चाय पिला रहा है. बट लेकिन हिज होल लाइफ, कि उसने मुझे न केवल चाय ही पिलाई है बल्कि उसने अपना पूरा जीवन मुझे समर्पित कर दिया है या सर्व कर दिया है. स्कूडम हैड बीन सो स्केयर्ड दैट ही थ्रू हिज ओन स्वॉर्ड डाउन एंड मेड हिज एस्केप. स्कूडम इतना डर गया कि उसने शम ने अपनी तलवार फेंक दी और अपना बचाव करने लगा. ही फेल्ट असेम्ड टू बी द गेस्ट ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के एक मेहमान का अपमान करने से उसे शर्मिंदगी महसूस हुई.
हु इवन आफ्टर गेटिंग थ्रीट ऑफ अटैक, यहाँ तक कि वह आक्रमण के भय से शोम डर गया, हैड शोन प्रोफाउंड लव इन सर्विंग टी टू हिज एनिमी, और अपने शत्रु को चाय पिलाने के लिए उसने क्या किया, जो टी मास्टर था उसके प्रति प्रेम प्रकट किया, ही वॉज सपोज टू रेस्पेक्ट द गेस्चर ऑफ हिज लॉर्ड, और उसने अपने लॉर्ड मीन्स जो टी मास्टर था उसके लिए गेस्चर मीन्स आदर के भाव प्रकट किए, एंड यूज हिज ऑल टैक्टिक्स ऑन अनट्रेन्ड सोल्जर अपीयर्ड क्राइम एंड शेमफुल एक्ट टू हिम, और अपने वार की जो अपने युद्ध कला थी उसने टैक्टिक्स मीन्स युद्ध कला, अपने युद्ध कला को एक अनट्रेंड अप्रशिक्षित सैनिक पर लागू करना उसे क्या लगा, अपराध और एक शर्मिंदगीपूर्ण कार्य लगा। द टी मास्टर पिकड अप हिज थिंग्स एंड रिटर्न टू द सोगुन्स पैलेस, इसके बाद टी मास्टर ने अपनी वस्तुएं एकत्रित की और सोगुन के महल में चला गया। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसके क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दिए जाएंगे, तो चैप्टर रीड करें, और जितने चैप्टर्स आपके हो चुके हैं आपको कंप्लीट लर्न होना चाहिए और उसकी नोटबुक में कंप्लीट वर्क होकर के चेक होना चाहिए। ओके, थैंक्स।